अभी कुछ दिन पहले फिर एक दिन एक टीवी प्रोग्राम पे, लाइव टीवी प्रोग्राम के ऊपर एंकर ने एक हॉस्पिटल को फोन किया। हॉस्पिटल से पूछा, जी कोरोना का मरीज है हमारे फैमिली में, हमें बेड चाहिए। हॉस्पिटल ने मना कर दिया। जब वो गिड़गिड़ाया तो हॉस्पिटल ने लाइव प्रोग्राम के अंदर कहा दूसरी तरफ से कि 8 लाख रुपए दे दो, बेड का इंतजाम हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे प्राइवेट हॉस्पिटल खराब हैं। दिल्ली की स्वास्थ्य सेवा के अंदर प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने बहुत अहम भूमिका निभाई है। दिल्ली के लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स के इस कंट्रीब्यूशन को सलाम करते हैं, लेकिन कुछ चंद प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जो इस महामारी के दौरान भी इस तरह की गलत हरकतें कर रहे हैं। पहले कहते हैं बेड्स नहीं है, और जब और इंसिस्ट करो तो कहते हैं 2 लाख रुपए दे दो, 5 लाख रुपए दे दो, 8 लाख रुपए दे दो। इसको बेड्स की ब्लैक मार्केटिंग नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? तो ट्यूसडे को, मंगलवार को, पिछले हफ्ते मंगलवार को हम लोगों ने एक ऐप लॉन्च किया। हमने कहा ये ब्लैक मार्केटिंग क्यों होती है? क्योंकि जनता को पता ही नहीं कि इस अस्पताल में कितने बेड खाली हैं, कितने बेड भर गए, तो वो अपने हिसाब से ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है। वो जो भी दो चार कर रहे हैं, सारे नहीं कर रहे, सारे बहुत अच्छे हैं। फिर से मैं कह दूं कि सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स बहुत अच्छे हैं, दो चार हैं जो बदमाश हैं। अगर हम इसको, हमने ये सोचा अगर हम इसको सारी जानकारी को ट्रांसपेरेंट कर दें, अगर हम जनता को बता दें कि भाई इस अस्पताल में इतने टोटल बेड हैं, इतने खाली हैं, इतने वेंटिलेटर हैं, इतने खाली हैं, तो जनता को सब पता चल जाएगा। फिर तो कोई गड़बड़ नहीं कर सकेगा। और पिछले मंगलवार को हम लोगों ने ये ऐप लॉन्च करके दिल्ली सरकार का और सारे अस्पतालों की लिस्ट डाल दी कि किस अस्पताल में कितने बेड है, कितने खाली हैं। और फिर तो जो बवाल हुआ, मतलब ऐसे टूट के पड़े कई लोग इसके ऊपर, जैसे हमने कोई गुनाह कर दिया, जैसे हमने ये इंफॉर्मेशन डाल के गड़बड़ कर दी। अब लोगों को पता है कि इस अस्पताल का ये लिखा हुआ है, इसके अंदर 20 बेड हैं, खाली हैं 20 बेड, लेकिन ये बेड नहीं दे रहा। जब उसके पास जाओ तो कहता बेड नहीं है, झूठ बोल रहा है। दो चीजें, इस बेड को अपडेट हम तो कर नहीं रहे, इन्हीं सबको हम लोगों ने पासवर्ड दिया हुआ है, तो उस ऐप के ऊपर अस्पताल खुद अपडेट कर रहा है कि मेरे इतने बेड खाली हैं, और फिर कहता बेड नहीं है। तो दोस्तों, इसको तोड़ने में ये जो कुछ लोगों ने, चंद लोगों ने माफिया बनाया हुआ था, इसको तोड़ने में थोड़ा समय लग रहा है। ये पूरे के पूरे एकदम से रिएक्ट कर रहे हैं। कुछ इनमें कुछ चंद अस्पताल दिल्ली के इतने पावरफुल हो गए हैं, सभी पार्टियों के अंदर उनका पहुंच है, ऊपर तक पहुंच है। अंदर प्राइवेट में धमकी दी है उन्होंने कि हम नहीं कोरोना के मरीज लेंगे, जो करना है कर लो। मैं उनको कहना चाहता हूं, कोरोना के मरीज तो लेने पड़ेंगे तुमको। आप लोगों को दिल्ली में अस्पताल बनवाया था पैसे कमाने के लिए, नहीं बनवाया था आपका अस्पताल, आपका अस्पताल बनवाया था दिल्ली के लोगों की सेवा करने के लिए। ऐसी महामारी के दौर में मोस्टली अस्पताल सेवा कर रहे हैं, मोस्टली अस्पतालों का पॉजिटिव एटीट्यूड है, लेकिन जो दो चार अस्पताल इस गुमान में है कि वो अपनी दूसरी पार्टी के आकाओं जो बैठे हैं उनके जरिए वो अगर कुछ करवा लेंगे, वो अपनी ब्लैक मार्केटिंग करेंगे, तो उनको मैं आज चेतावनी देना चाहता हूं कि बख्शा नहीं जाएगा उनको। कल से मेरी टीम लगी हुई है, हमने दो चार अफसरों को बिठाया है, जितने ये प्राइवेट अस्पताल हैं, जिस जिसकी लिस्ट है, जिस जिसको कहा गया है कि अपने अस्पताल में कोरोना की इलाज करो, एक 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 के मालिक को कल से बुला रहे हैं। एक एक का मालिक आ रहा है, उनसे पूछ रहे हैं, उनसे साफ साफ कहा जा रहा है कि देखो कोरोना के मरीजों का इलाज तो करना पड़ेगा, इसके अलावा अगर तुम्हारी कोई समस्या है तो बताओ। इसके ऊपर कोई नेगोशिएशन नहीं होगी कि इलाज नहीं करेंगे, इलाज तो करना पड़ेगा, 20% बेड रखने पड़ेंगे। कुछ लोग कहते हैं जी 20% बेड कैसे रखे हैं, हमारी व्यवस्था नहीं है। तो ठीक है, 20% मत करो, पूरे 100% बेड आपके कोरोना के लिए कर देते हैं।
कुछ लोगों की जेन्युइन समस्या थी। कल से हमारी टीम, कल 33 हॉस्पिटल्स के साथ बैठक हुई, आज बाकी सारे हॉस्पिटल्स कवर कर लेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते जिन लोगों की जेन्युइन समस्या है। जैसे एक हॉस्पिटल आया, उसने कहा कि हमारा जी कैंसर हॉस्पिटल है, कैंसर के मरीज आते हैं वहां, अगर कोरोना के भी साथ में होंगे तो दिक्कत होगी, ठीक है। तो उन्होंने कहा जी हमारा एक और हॉस्पिटल है जो जनरल है, हम उसमें 40% कर देते हैं, 20% की बजाय इधर का कोटा उधर कर देते हैं। बहुत अच्छी बात है, हमने उनकी बात मान ली। इसी तरह से किसी की कुछ और छोटी मोटी समस्या थी, किसी की और समस्या थी, सबकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। बस एक ही चीज नॉन नेगोशिएबल है, हमारे दिल्ली के लोगों का इलाज करना पड़ेगा, कोरोना के मरीजों का इलाज करना पड़ेगा, इस पर कोई नेगोशिएशन नहीं होगी। दूसरी चीज ये कर रहे हैं, मुझे कुछ दिन का समय दीजिए इसके ऊपर। मैं मानता हूं कि पहली बार इस तरह से कोई ऐप देश के अंदर नहीं, दुनिया के अंदर पहली बार बना है, जो हर अस्पताल के बेड और वेंटिलेटर का डेटा इस तरह से ट्रांसपेरेंट कर रहा है, जनता को बता रहा है, और जनता जाके डिमांड कर रही है। मुझे बड़ी खुशी है कि सारे टीवी चैनल वाले, सारे अखबार वाले फोन कर करके एक एक अस्पताल की रोज रिपोर्ट ले रहे हैं, कह रहे हैं इस अस्पताल को फोन किया उसने मना कर दिया, इस अस्पताल को फोन किया उसने मना कर दिया। लेकिन इसका कुछ थोड़ा बहुत फायदा भी हुआ है। ट्यूसडे को जब हमने इसको लॉन्च किया था, दिल्ली में सारे अस्पतालों को मिला के 2800 मरीज थे, और उसमें मैक्सिमम दिल्ली सरकार के अस्पतालों में थे। आज दिल्ली के 3900 मरीज हैं, 3900 मरीज हैं, 1100 मरीज ऐड हुए हैं मोस्टली प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर। वो इसी वजह से लोग, क्योंकि लोग अब इस जानकारी से सशक्त हो गए हैं और लोग जाके मांग रहे हैं। मैं फिर भी डिमांड करता हूं, कुछ लोगों को तकलीफ आ रही है, मैं देखता रहता हूं वीडियो, कुछ लोगों ने कहा कि मैं इस अस्पताल में गया, ऐप के ऊपर लिखा हुआ था। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये उन कुछ चंद अस्पतालों की बदमाशी है। कुछ दिन दीजिए मेरे को, अगर ये अस्पताल नहीं माने तो फिर हम सख्त कार्रवाई करने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाएंगे। लेकिन मैं सभी अस्पतालों को बोल दूं कि आपको कोरोना के मरीजों की जांच तो करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ एक और हम एक्सरसाइज कर रहे हैं कि दिल्ली सरकार का एक मेडिकल प्रोफेशनल दिल्ली सरकार की तरफ से हर प्राइवेट अस्पताल के रिसेप्शन पे बैठेगा, और वो हमें जानकारी देगा कि कितने अस्पताल, कितने बेड इसके अंदर भर गए और कितने खाली हैं। अगर कोई जाएगा तो वो इंश्योर करेगा कि उसको एडमिशन मिले। तो अब वो फॉल्स रिफ्यूजल जो है, जो अस्पताल